फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट इंडेक्स ETF। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंडेक्स ETF के ऊपर काफी इम्फेसिस और फोर्स कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, इक्विटी ETF के बारे में बताया था, अब इक्विटी के ETF के अंदर भी जो इंडेक्स ETF होता है, आइए हम उसके अंदर चले। तो दोस्तों, इंडेक्स क्या होता है? पहली चीज, इंडेक्स एक कंट्री का ग्रोथ पैरामीटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, जिसको कहते हैं, जैसे अपने देश में दो इंडेक्सेस हैं प्राइमरली, पहला NSE का, जिसको हम लोग दोस्तों निफ्टी कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों BSE का, जिसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। तो इंडिया का ये दो पुराना इंडेक्सेस है, और इंडेक्सेस की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो हर साल बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज येस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक मोड पे होता है। ऑटोमेटिक मोड मतलब आपने पैसा दिया और पैसा जैसी कंस्टिट्यूएंट है, जैसा फंड अलाइनमेंट है निफ्टी का, उसी हिसाब से इन्वेस्ट होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले इंडेक्स वाले जो ETF है उसकी तरफ लेके चलूं। दोस्तों, जो पहला ETF है, जिसका नाम है दोस्तों निफ्टी 50 ETF, जैसा कि दोस्तों नाम से ही दिख रहा है, निफ्टी 50 ETF। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 ETF क्या होता है? तो आज के टाइम जो निफ्टी 50 ETF है, वो ये होता है, निफ्टी जो कि इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्राइम इंडेक्स है, उसमें आपको पता होना चाहिए 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियों का वो एक एवरेज इंडेक्स है। तो जैसे जैसे वो 50 कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, उसी वे में निफ्टी का इंडेक्स भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के टाइम पे निफ्टी की वैल्यू तकरीबन 11,500 के आसपास चल रही है। क्या यही वैल्यू 2004 में थी? आंसर इज नहीं। क्या यही वैल्यू 2009 में थी? आंसर इज नहीं। अगर आप दोस्तों निफ्टी का एवरेज रिटर्न देखिएगा पिछले निफ्टी 50 का, पिछले 20 इयर्स का, तो ये तकरीबन 12% CAGR है। 12% के हिसाब से हमारी कंट्री की निफ्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ी है। इसमें 2008 का रिसेशन भी इंक्लूडेड है, इसमें एक पिक जो बुल रन आया था मार्केट में व्हेन मोदी केम टू पावर एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो निफ्टी है उसमें भी इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है, और कोई बुरा नहीं है दोस्तों। अगर आपको 12% मिल रहा है और बिना किसी टेंशन के मिल रहा है, बिना किसी हेजिटेशन के मिल रहा है, तो आज ही निफ्टी इंडेक्स फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। दोस्तों, दूसरा फायदा जो निफ्टी इंडेक्स फंड का है, वो ये है कि निफ्टी में कंपनियां आती भी हैं और जाती भी हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। ये मार्केट का जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्रिंसिपल है, उस बेसिस पे कंपनी आती है और उस बेसिस पे कंपनी चली भी जाती है। तो आज ही एक डिसीजन लीजिए कि निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। इसके कई सारे कारण है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में आपको कभी भी आपका एडवाइजर, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर कभी भी नहीं बताएगा। उसके दो कारण है, पहला लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा लैक ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज एंड चार्जेस। क्योंकि आपको कोई भी आपका जो एजेंट है या आपका जो एडवाइजर है, वो वैसे ही प्रोडक्ट्स बताएगा जिसमें आपका भी फायदा हो पर उसका भी फायदा हो। पर जो निफ्टी इंडेक्स फंड है, ये इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है काफी कम होता है, इतना कम कि जिसमें सपोज एग्जांपल, अगर आप 1,00,000 रुपए दे रहे हो, तो इसका जो मैनेजमेंट फीस होता है, जिसको कहते हैं फंड मैनेजमेंट फीस, तकरीबन 200 रुपए का इक्विवेलेंट होता है, विच इज अराउंड 0.2 बेसिस पॉइंट, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर है ये। तो निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है। दूसरी चीज, निफ्टी इंडेक्स फंड जो है इंडिया का एक ग्रोथ पैरामीटर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जैसे इस फंड में ग्रोथ होगा, वैसे वैसे आपका पैसा, हमारा पैसा, हम सब का पैसा ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास दोस्तों कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको कुछ भी स्टॉक के बारे में नहीं पता है, बट आप आज से एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आज ही निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में पढ़ो और इसमें इन्वेस्ट करो। और कोशिश हमेशा करो कि इसमें दो प्लान होते हैं इन्वेस्टमेंट के, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। तो जो डायरेक्ट प्लान होता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में हमेशा आपका फायदा है। रेगुलर प्लान में हमेशा एक फ्रेंचाइजी ओनर होता है, एक ब्रोकर होता है, जिसका एक हिडन फीस आप पे करते हो। तो मुझे लगता है हम लोगों का इस प्लेटफॉर्म और इस चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस फैलाना काम है। आपको आपके हित की बात बतानी है, तभी आपका इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन सार्थक होगा। तो आज ही निफ्टी इंडेक्स फंड की तरफ जाएं और इसमें हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चुने, और इसमें हमेशा रेगुलर प्लान को कभी नहीं चुने, बिकॉज रेगुलर प्लान में आपका पैसा नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्लान में पैसा बनेगा, याद रखिए। अब आप पूछिएगा कौन से निफ्टी इंडेक्स फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। UTI का है, ICICI का है, SBI का है,
कोटक है, इन सारे कंपनीज के निफ्टी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है। आज ही गूगल कीजिए, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आज ही हमें कमेंट करके लिखिए इस चैनल पे, हम आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन पास करेंगे। दोस्तों जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो हाई स्टेकिंग कस्टमर्स हैं, जिनको बैंकिंग सेक्टर प्यारा लगता है, उनके लिए निफ्टी बैंक इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये क्या होता है दोस्तों, इंडिया में 12 टॉप बैंक्स हैं, जिसको कहते हैं, जिससे हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है, उसके हिसाब से फंड उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो आज ही बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप पूछिएगा, मैं बैंक निफ्टी फंड में क्यों इन्वेस्ट करूं? क्योंकि दोस्तों जब से ये बैंक निफ्टी स्टार्ट हुई है 2003 के आसपास से, तकरीबन आज तक 18% which is roughly 18% का रिटर्न आया है। दोस्तों आप बताइए 18% 15 ईयर के लिए क्या कम होते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि आपको पता होगा 18% के हिसाब से आज ही आपका पैसा 4 सालों में डबल हो रहा है। तो मेरे बात को ध्यान से समझिए कि इंडेक्स फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप एक निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जो कि लेना ही लेना है। दूसरा बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड, ये भी SBI का अवेलेबल है, ये भी कोटक का है। अगर नहीं पता है आपको तो उसका लिस्ट हम आपको जरूर भेज सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। तो आज ही कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कोई निफ्टी इंडेक्स फंड या बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है। तीसरा, जिसको और ज्यादा रिस्क लेना है, उसके लिए निफ्टी 100 इंडेक्स फंड भी है। निफ्टी 100 मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनी, क्योंकि निफ्टी 50 में तो केवल 50 कंपनियां हैं। अगर 51 से लेकर 100 वाली जो कंपनियां हैं, ये वो टोटल निफ्टी 100 में आती है। 100 मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 भी इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट 50 मतलब 51 से 100 तक की कंपनियां। तो अगर हम लोग दोस्तों दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आज ही हमारा निफ्टी 100 ETF भी बनता है। और मार्क माई वर्ड्स, जिसको बड़ा पैसा कमाना है, जो रिस्क टेकर है, जिसको अपनी कंट्री के ग्रोथ पे बिलीव है, आज निफ्टी इंडेक्स फंड के अलावा वो और ये दोनों फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। आज इन दोनों में इन्वेस्ट करना इतना आसान है कि आप मिनिमम 500 रुपीज और इवन अप टू 100 रुपीज से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको एक बार में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़िए, आज ही अपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप इमीडिएटली एक फंड सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और सारा डायरेक्ट प्लान लीजिए। रेगुलर प्लान कभी भी मत लीजिए, क्योंकि रेगुलर प्लान से आपका घाटा है, आपको नुकसान है। तो दोस्तों इसी सब के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क एपेटाइट को मैनेज करने में काफी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। और कीप वॉचिंग टैक्स फॉर वेल्थ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।